ये आप देख लीजिए, ये दवा है दोस्तों, आप ये दवा यूज कर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्रीकल्चर इक्विपमेंट पॉइंट में। दोस्तों हम अभी तक आपके लिए अपने चैनल पे मशीनों एग्रीकल्चर मशीनरी से जुड़ी जानकारियां लेके आते थे, लेकिन अब हमने नया सेशन चालू किया है दोस्तों, जिसमें अब जो फसलें लग रही हैं गर्मी में आपकी, इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ पड़ती हैं इससे जुड़ी जानकारी हम आपको देंगे। जो सबसे बेस्ट दवाई होंगी उनकी जानकारी हम आपको देंगे, और खुद डायरेक्ट किसानों के थ्रू हम आपको दिलवाएंगे जानकारी। तो दोस्तों ये जो जानकारी मैं आपको आज दे रहा हूँ, ये आपकी झटका मशीन जो हम लोग लगाते हैं खेतों के किनारे बचाव के लिए जानवरों से, उसमें क्या होता है, अधिकतर किसान मेरे से बोलते हैं कि सर जो इसके किनारे ये घास वस उग जाती है उसको जलाने के लिए जो दवाइयाँ वो यूज करते हैं वो कारगर नहीं होती हैं, या दवाइयाँ डालने के बाद भी मार्केट ये आपका जो जलता नहीं है। तो मार्केट में दोस्तों लोकल दवाइयाँ बहुत सारी बिकती हैं, आप उनके चक्कर में ना पड़े। जो हमने यूज किया है नॉर्मली दवाई, मैं आपको बताऊँ, कोनियो 71, ये आप देख लीजिए, ये दवा है दोस्तों, आप ये दवा यूज कीजिए। और इसका कोई भी मैं पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ये हमने खुद ही यूज किया है। देखिए ये हमारा खेत है, इसमें हमने यूज किया है पूरा, और इस साइड दिखाइए आप उनको, वो देखिए वो साइड हमने पूरा अभी यूज किया है और आज उसकी सफाई कराई है। तो ये आप देखिए, ये बहुत ही अच्छा वर्क कर रही है, और बाकी लोकल वाली भी हमने यूज किया था, ये ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 186 रुपये की है, एक टंकी में आ जाती है दोस्तों, और एक टंकी के लिए एक एक पैकेट है ये, और आप इसको आराम से एक टंकी में लेके और छिड़काव कर सकते हैं। और इस दवाई में दोस्तों ज़्यादा हानिकारक कुछ पड़ा भी नहीं है, नॉर्मली ही है ये, और अच्छी दवाई है, अगर आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपके जो खेत के मेड़ के किनारे जितनी भी घास होगी वो आराम से जल जाएगी, और लोकल मार्केट में ही आपको आराम से मिल जाएगा, और जो हम लोकल दवाइयाँ लेते हैं उनके चक्कर में ना पड़े। ये आपका अतुल कंपनी का है कोनियो 071, जो आप ले सकते हैं और अपने खेत के किनारे किनारे छिड़काव कर सकते हैं। बाकी आपको किस फसल से जुड़ी जानकारियां चाहिए दवाई के लिए, कौन सी दवाई किस फसल में डालें हम, आपको अगर जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बताएं, मैं उसके बारे में अच्छी से अच्छी जानकारी आपको ला के दूंगा। या फिर अगर आप किसी मशीनरी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमें बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।